मूवमेंट के सहयोग के लिए भी आपका धन्यवाद। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा हो गया कि उसमें जो है वो आप देख रहे थे राम जी भी कि भाई एक विवाद जो है मंदिर भूमि विवाद बना हुआ था। विवाद सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जेडीए ने मिलके नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर के जो है वो विवाद बनाया गया जो विवाद नहीं था। उसमें हम तो उम्मीद करते थे कि जो हिंदू धर्म के संक्षेप के लोग हैं बड़े बड़े संगठन और जिसपे राजनीति करने वाले भी संगठन है सत्ता में वो जोरदार तरीके से आएंगे और विवाद का निपटारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार कांग्रेस पार्टी को और कुछ भगत जान जो है वो निकल के आए। जज सुरेश शर्मा जी ने इस मुद्दे को जो केयर टेकर हाईकोर्ट द्वारा उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाया तो लोगों को पता चला, हमें भी जब पता चला तो हम तो खुल करके सारे लोग उनके समर्थन में आए। लेकिन देखा गया कि जो राजनीतिक दल इस काम में हमेशा होते थे या जो सियासी सामाजिक धार्मिक संगठन वो जरा टकराते रहे पीछे पीछे रहे, लेकिन कल जरूर उन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन कहा कि जांच होनी चाहिए। हमने ये कहा था जज साहब ने और सब ने वहां ये तय हुआ कि किसी बड़ी साजिश रची गई मंदिर की भूमि पे उसकी जांच हो। जो लोग जिम्मेवार हैं कि टेंडर आज खुलना था, अगर ये मामला ना उठता तो टेंडर आज खुलना था। किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसने टेंडर भी फ्लोट कर दिया, लिख दिया जमीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है और जेडीए के माध्यम से यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला है कंजेस्टेड शहर में 62 साल के लिए वो अधिकार उन लोगों को मिलने थे। पार्किंग प्लेस का बहाना वो 12 साल, लेकिन उसके बाद 62 साल फिर मंदिर के लिए इसका अब निपटारा जो हुआ कुछ लोगों ने कहा मसला हल हो गया, लेकिन ना तो जांच हुई ना मंदिर की जमीन। ये कहा गया कि जमीन मंदिर की है, जो जज साहब का भी और सर का ये था कि जमीन मंदिर की सैकड़ों सालों से प्राचीन मंदिर के पास हाईकोर्ट ने केयर टेकर अपॉइंट किया हुआ, उसको को अखाड़ा जा मनसंत भी कहलाते हैं, लोगों को बगैर पूछे भक्त धर्म भक्तों को बगैर पूछे शहरदारी को बगैर पूछे चोरी चोरी टेंडर फ्लोट हो गया और केयर टेकर को पता नहीं। तो उनका और हम सब का ये था कि आप ये कह दो गवर्नमेंट लिख के दे देंगे जमीन मंदिर की, लेकिन ये नहीं। कल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चुपके से एक चिट्ठी लिख दी कि हमारा तो कोई वास्ता नहीं, इतने अरसे से प्रोजेक्ट बन गया टेंडर हो गया नेट में आया जज साहब ने और बाकी ने भेज दिया आपको नहीं पता चला आप कहाँ सोए थे, मगर आपकी जमीन नहीं थी तो आपने पहले क्यों नहीं कहा कि जमीन कॉर्पोरेशन की नहीं। लेकिन सिर्फ ये चिट्ठी लिखने से क्या वो भरी हो जाते हैं सारे कॉर्पोरेशन और मेयर साहब और बाकी सारे। दूसरी चिट्ठी का एक और मजाक किया गया कि विची जेडीए लिखते हैं क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहती है हमारी जमीन नहीं है इसलिए हमारे से गलती हो गई। गलती कैसे होगी, हम उस टेंडर को वापस करते हैं, चलो उसका स्वागत करते हैं कि टेंडर वापस हुआ वो रुका वो एक बार, लेकिन जो अभी कार्रवाई चल रही है सरकार की उनको ये समझ नहीं आती कि जेडीए पीसी जो है अपने सीनियर अफसर डिविजनल कमिश्नर को कहते हैं कि आप जमीन की वेरिफिकेशन करो कि जमीन किसकी है। इसका मतलब उन्होंने नहीं माना कि जमीन मंदिर की है, अगर जमीन मंदिर की है तो वेरिफिकेशन किस बात की करेंगे। डिप्टन साहब डिविजनल कमिश्नर जम्मू एक सॉर्डिनेट ऑफिसर के कहने पे वेरिफिकेशन करेंगे कि जमीन किसकी है, तो भूमि तो वही थी। हमारा पहला मसला था कि भूमि के बाद अंकुश जो लगाया है ये कॉर्पोरेशन भी है किसकी है, वो अपने किस अधिकार से लगाए वो क्लियर करो, लेकिन वो नहीं हुआ। टाइटल पे अभी बादल छाए हुए हैं, वेरिफिकेशन होगी, जांच कोई नहीं हुई, कौन लोग जिम्मेवार थे, इतनी साजिश बन गई प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेशन सरकार यहाँ पे अधीन उनके, पहले तो मंदिर के नाम पे वोट थे अब मंदिर के नाम पे नोट जमीन थे, कौन लोग पीछे थे, क्योंकि पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्राइवेट प्लेयर्स ने
था, प्राइवेट कंट्रेक्शन बड़ी बड़ी तीन लोगों को डोमिसाइल के बाद बाहर से अलाट होना था, जहाँ पे वो दुकानें टेनेंट्स वहाँ हैं। तो इस सारी चीज़ की जांच छोड़ के किसी ने किया, और तीसरी बात कि अभी प्रोजेक्ट रुका नहीं, ये कहा गया, इसमें लिखा है कि पहले स्मार्ट सिटी करता था, वो क्या बदला और उनको दिया, ये बनाना शुरू हो गया अपने दौर में। उन्होंने लिखा कि अगला जो प्रोजेक्ट होगा वो ड्यू प्रोसेस से होगा, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट भी अभी स्टैंड बाई है, लोगों को, दुकानदारों को, शहरदारियों को, भगतजनों को, संत महात्माओं को और केयर टेकर अदालत को पूछे बगैर प्रोजेक्ट स्टैंड बाई है। वो कुछ करेंगे क्या, वो प्रोजेक्ट चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए यहाँ पे, उसको लोगों को पता नहीं। दूसरा, जमीन अभी पता नहीं कि मंदिर की है, उसका टाइटल क्लियर नहीं, नहीं। और चौथी बात, जो लोग जिम्मेदार थे इतनी बड़ी साजिश करने में, उनको बेनकाब तो करो। बीजेपी अगर सही है, सत्ता में है, केंद्र में भी है, यहाँ भी है, कॉर्पोरेशन भी है, कम से कम कोई चपरासी तो बताओ जिसने ये क्लर्क जिसने ये काम किया है। अगर कोई बड़े आईएएस अफसर ने नहीं किया, मेयर साहब ने नहीं किया, कोई क्लर्क तो होगा छोटा मोटा, जिसके कहने से इतना बड़ा काम हो गया कि दिल्ली की कॉर्पोरेशन भी आ गई, टेंडर भी फ्लोट हो गया हिंदुस्तान भर में, और किसी की गलती भी नहीं पकड़ी गई। एक छोटी सी इनएडवर्टेंट बड़ी जो है वो नालायकी से गलती हो गई, क्या ये चीज हम मान लें, सारे लोग मान लें। इसलिए ये सवाल आपके सामने खड़े करने थे कि ये यहाँ पहुंचे हैं लोगों का, उनका हम शुक्रिया करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये है कि ये जो चीज़ें बुनियादी हमने खड़ी की थी उस पर आज भी खड़े हैं। मंदिर की जमीन, कौन लोग जुम्मेवार, और इतना के प्रोजेक्ट में आगे जो होगा वो क्या सिस्टम है, ये बातें हमारे आपके सामने हैं। जरूरी था, जिसपे लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी थी, कि अभी तक सिंपल लेटर के साथ हमारे लोगों की जो आस्था यहाँ पे जुड़ी थी उसका ये समाधान करके यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ पूरे अवाम में इस चीज़ का गुस्सा यहाँ पे है, रोष है। जो कल तक भाजपा बोलती थी मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, ये कौन से चौकीदार है? इसलिए बात निकलनी हिंदुस्तान में शुरू होगी जब मंच से बोलेगी चौकीदार, फिर नीचे जनता बोलती है कौन है, ये उसका जवाब हमें मिल गया। जो कल तक चौकीदार का दावा यहाँ पे करते थे, पंच पत्थर की जमीन इनके किस ढंग से जो अपने आप का पल्ला झाड़ने का प्रयास यहाँ पे करते हैं, उससे जम्मू को गुमराह करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और जब तक टाइटल वेरिफिकेशन का डिक्लेयर नहीं होता, कांग्रेस राजनीति बनाएगी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उनको एक्सपोज करने के लिए, कि सिंपल लेटर के साथ, क्योंकि हमने इनके लेटर चाहे टोल प्लाजा में देखें, चाहे वकीलों की हड़ताल में प्लाजा वो देख दिया, भाई हम वापस रोल बैक करेंगे उसी ढंग जैसे, ये तीसरा भी ये चिट्ठी देके किस ढंग से बैकडोर में पीछे कौन से डायरेक्टर यहाँ पे है, उनको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट जिस ढंग से शर्मा साहब ने बताया अभी भी वहाँ पे लाइम लाइट में यहाँ पे है, लेकिन टाइटल वेरिफिकेशन के मुताबिक कौन से आदमी ने, किस क्लर्क ने, कौन सा अफसर था, किसके बिहाफ पे, अगर कॉरपोरेशन को पता नहीं, जेडीए को पता नहीं, तो दिल्ली से ये प्रोजेक्ट किस ढंग से करने के लिए आए, शायद यही मन की बात थी जिसके उनके यूट्यूब चैनल से वो जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का बटन बंद हो गया, ये भी एक कारण यहाँ पे है कि हम कड़ा विरोध इसका कर रहे हैं। और जब तक ये इसकी जाँच पूरी नहीं होगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो दूसरे लोग हो, आराम से यहाँ पे नहीं बैठेंगे, मजबूर करेंगे कि इसका पर्दाफाश यहाँ पे हो, कौन से लोग जिम्मेवार यहाँ पे है। और भाजपा 5 दिन खामोश यहाँ पे रही, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस उनके पार्ट पे यहाँ पे आ गई, खामोशी से हमारे लोगों के सब्र के बांध को टूटने का इंतजार यहाँ पे करते रहे। मैं समझता हूँ कांग्रेस वचनबद्ध है, कमिटेड है, जितनी भी हेरिटेज साइट्स है उनको फौरी तौर पर, क्योंकि ये आई ओपनर था, उसकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पे करें, ताकि किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो सके।